हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोहाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत की है। बता दें कि रैंडम सैंपलिंग उन इलाकों में की जा रही है जो ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं और जहां कोरोना फैलने की ज्यादा संभावना है। इसी को लेकर सोमवार को गोहाना के एसडीएम ऑफिस में काम करने वाले 30 कर्मचारियों और स्टाफ के रैंडम सैंपल लिए गए। इन सैंपल की रिपोर्ट शाम तक आएगी। पूरे मामले को लेकर मोबाइल टीम के इंचार्ज डॉक्टर चक्रवर्ती शर्मा ने कर्मचारियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि गोहाना के सरकारी गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर और स्टाफ के भी सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 4 से 5 प्रोफेसर और टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी हमने लगभग 30 के करीब जो एसडीएम ऑफिस में कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके सैंपल लिए हैं और अभी रिपोर्ट शाम तक पता लगेगी इनकी। और जैसे कि आपको भी पता है कोरोना संक्रमण लगातार गोहाना में फैलता जा रहा है, तो उसी के मद्देनज़र हम जहाँ जहाँ पब्लिक डीलिंग के जो एरियाज हैं, जहाँ पे लोगों का लगातार आवागमन है, ऐसी जगहों को चिन्हित करके हम वहाँ पर रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अब एक तरह से संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में हम जो है अपनी सैंपलिंग की भी जो है वो भी गिनती जो हो बढ़ा रहे हैं। और हम लगातार जनता से भी अपील कर रहे हैं कि अपनी जो सावधानी है, मास्क लगाना है, हैंड वॉशिंग है, वो भी अपनी